सवार अनजान व्यक्ति वहाँ पे आए और उनके गले से चैन तोड़ के और वो भाग गए। तीन आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है। मोटरसाइकिल जो वारदात में इन्होंने प्रयोग की थी वो हमने इनसे बरामद की है। गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा पालम विहार पुलिस टीम ने गुप्त सूत्रों की मदद से स्नैचिंग व चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक सोने की चैन व 8 मोबाइल बरामद किए। वहीं सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस अनुमान लगा रही है कि आरोपियों से रिमांड के दौरान काफी वारदातों का खुलासा हो सकता है। दिनांक 12/6/2021 को एक मिस्टर नेहरा अपने घर के बाहर अपनी मिसेज के साथ घूम रहे थे और इतनी देर में ही दो बाइक सवार अनजान व्यक्ति वहाँ पे आए और उनके गले से चैन तोड़ के और वो भाग गए, जिनको उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और मोटरसाइकिल के बारे में उन्होंने नंबर नोट करने की कोशिश की लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और वो भाग गए। जिस उनकी कंप्लेंट पे हमने सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच पालम विहार ने तीन आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है, जिनके नाम साहिल पुत्र सलीम, एक अजय पुत्र संदीप और हर्ष पुत्र अजय मलिक हैं। ये अशोक विहार फेज 1 का रहने वाला है अशोक मलिक और वो दोनों एक रेवाड़ी का और एक रोहतक का रहने वाला है। इन्होंने पूछताछ पे बताया कि हमने बहुत सारी वारदातें यहाँ पे कर रखी हैं। दो चैन स्नैचिंग की वारदातों के बारे में इन्होंने बताया है। इसके अलावा इनसे 8 मोबाइल छीने हुए बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल जो वारदात में इन्होंने प्रयोग की थी वो हमने इनसे बरामद की है। आपको पुलिस की गिरफ्त में चेहरे पर नकाब पहने दिख रहे ये तीनों आरोपी भले ही आपको बड़े सीधे व भोले भाले दिख रहे हो, लेकिन जब आप इनकी करतूत के बारे में जानेंगे तो आपको इनका असली चेहरा समझ आ जाएगा। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन तीनों आरोपियों ने साइबर सिटी में कोहराम मचाया था और पलक झपकते ही स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने में ये माहिर थे, जिन्होंने गुरुग्राम व आसपास के इलाके में न जाने कितने ही लोगों को अपना शिकार बनाकर मोबाइल फोन छीने हैं और न जाने कितने ही लोगों के गले से सोने की चेनों को झपटा है। इतना ही नहीं, इतने शातिर दिमाग आरोपी है, वारदात के समय जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया करते थे वहाँ भी चोरी की थी। काला नकाब पहनकर खड़े इन आरोपियों में से एक आरोपी साहिल है, जो रोहतक जिले के गाँव आसन का रहने वाला है। वही दूसरा आरोपी अजय है, जो नई आबादी जिला रेवाड़ी का निवासी है। तीसरा आरोपी हर्ष गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 में रहता है। इन तीनों की तिगड़ी ने पूरी साइबर सिटी में स्नैचिंग की वारदात करने का तहलका मचाया हुआ था। और एक मोटरसाइकिल इन्होंने झज्जर से चोरी करनी बताई है और इसके अलावा एक स्कूटी हमारे गुड़गांव से चोरी करनी इन्होंने बतलाई है। अभी हम इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर रहे हैं और एक चैन हम इनसे बरामद कर चुके हैं और बाकी और पूछताछ अभी इनसे की जाएगी और उसमें जो भी आगे का हमें ऐसा लग रहा है कि और बहुत सारी वारदातों का खुलासा इनसे हो सकता है तो उसका प्रयास करके और उन सब केसेस में इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये नए लड़के हैं और इनकी 10वीं 12वीं की एजुकेशन है और उसके बाद ये गलत संगति में पड़ गए और इस तरह की वारदातों में शामिल लिए हुए हैं। बाकी इनकी अभी सारी कुंडली खुंगाल ली जा रही है, उसके बाद ज़्यादा चीज़ें हम आपको बता पाएंगे। 8 फोन हमने इनसे बरामद किए हैं और इसके अलावा एक चैन हमने इनसे बरामद कर ली है। एक चैन के बारे में और भी इन्होंने बताया है और हमें ऐसा लगता है कि और भी कुछ वारदातें इनमें हो सकती हैं तो उन सब के बारे में इनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद आगे की और वारदातों का खुलासा किया जाए। तीनों आरोपियों ने अभी तक की पूछताछ में काफी वारदात गुरुग्राम में करने को स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से छीने गए 8 मोबाइल फोन, एक सोने की चेन, एक स्कूटी, एक चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद भी कर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपियों से काफी वारदातों का खुलासा हो सकता है, इसलिए तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पुलिस रिमांड के दौरान अन्य वारदातों का भी खुलासा कर सके। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से कितनी वारदातों का खुलासा हो पाता है।
देखना यहाँ भी होगा क्या पुलिस रिमांड के दौरान लोगों से स्नेच किए गए मोबाइल व अन्य सामान की कितनी बरामदगी कर पाती है। क्या इस गैंग में कोई और भी अपराधी है? यहाँ तो पुलिस रिमांड के बाद ही खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा, वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।